सर सोचा था कि अपने देश के लिए मेडल जीतूंगा यहाँ पर, बट ये नहीं सोचा था कि दो मेडल जीत जाऊंगा एक दिन। तो नॉर्मल गोल्ड मेडल नहीं है वो, उसी के साथ हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, तो वो उसमें और चार चांद लगा देता है। वो एक सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट एक एथलीट का होता है जब वो पोडियम पे खड़ा हो और गोल्ड मेडल के साथ अपने नेशनल फ्लैग को देख रहे हैं, नेशनल एंथम चल रहा है बैकग्राउंड में, वो सर सबसे बड़ा हमारे लिए बिग मोमेंट होता है। एक दिन में आप दो दो मेडल ठोकेंगे भारत के लिए, एक स्वर्ण पदक दूसरा कांस्य पदक। सर सोचा था कि अपने देश के लिए मेडल जीतूंगा यहाँ पर, बट ये नहीं सोचा था कि दो मेडल जीत जाऊंगा एक दिन में। टीम वाला कितना खास है, जो अपने साथी खिलाड़ियों के साथ भी आप एक सक्सेस शेयर करते हैं, वो कितना खास है? वो गोल्ड मेडल है और ये शूटिंग में भारत का इस एडिशन में पहला गोल्ड, तो गोल्ड रखा था आप लोगों ने बोला। हाँ सर, सर काफ़ी खास है वो। एक तो नॉर्मल गोल्ड मेडल नहीं है वो, उसी के साथ हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, तो वो उसमें और चार चांद लगा देता है। तो काफ़ी सर खुशी है उस बात की कि हम टीम मेडल में हमने गोल्ड मेडल जीता है और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एशियन गेम्स में। बिल्कुल, और यहाँ पर जब आप तीनों पोडियम पे खड़े हुए और राष्ट्रीय गान बज रहा था, राष्ट्रीय ध्वज विदेशी सरजमी चाइना पे बज रहा था, तो उस फीलिंग को बताइए अपने शब्दों में। सर वो एक ऐसी फीलिंग है कि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है सर, मतलब वो एक सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट एक एथलीट का होता है जब वो पोडियम पे खड़ा हो और गोल्ड मेडल के साथ अपने नेशनल फ्लैग को देख रहे हैं, नेशनल एंथम चल रहा है बैकग्राउंड में, वो सर सबसे बड़ा हमारे लिए बिग मोमेंट होता है। टीम के स्वर्ण पदक के बाद इमीडिएट फोकस इंडिविजुअल इवेंट के लिए और फिर उसमें से मेडल लाना, वो कैसा था वो जो लम्हा था पूरा, फिर वहाँ से ब्रॉन्ज जीतना, वो क्या था? सर हम इसी चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं कि जैसे हमारा इंडिविजुअल ख़त्म होता है तो हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो और हमारा फुल फोकस के साथ हम फाइनल्स में जाएं और वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करके मेडल जीतें। अगला लक्ष्य ओलंपिक्स? तो सर वो एक लक्ष्य है परमानेंट, बाकी उसके बीच में जैसे हमारे ऐसे कुछ कुछ कॉम्पिटिशन आते हैं वो सब भी हम अच्छा से खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने देश को मेडल दिलाएं। और हाल फिलहाल तो अभी मेरा नेक्स्ट 3P का मैच बचा है तो मेरा फोकस अभी उसी की ओर है। और हमें जब जैसे ही पता लगा कि हमने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है तो वो एक अनएक्सपेक्टेड खुशी थी। इतनी खुशी आज तक किसी भी मेडल में नहीं हुई कि इंडिया के लिए पहला एशियन मेडल जीता है। ये वो सक्सेस है ना जो अपने अगल बगल टीममेट से आप शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और मैच के बीच में लेकिन नहीं कर सकते हैं। ये हम अपना इंडिविजुअल मैच खेलते हैं, उसके बाद में टीम का जब स्कोर काउंट होता है वो टीम मेडल आता है। बिल्कुल, और यहाँ पर जब आप पोडियम पे चले, राष्ट्रीय ध्वज ऊपर के और राष्ट्रीय गान बजा विदेशी सरजमीं जी, उस लम्हे को बताएं कैसा फीलिंग? वो तो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो अंदर की एक आवाज़ होती है वो जो बाहर निकल नहीं पाती है इतने आसानी से। वो काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है वो, अगर आप शायद स्पोर्ट्स पर्सन होते तो आप जान पाते वो, तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा मैं। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.